नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका कि असेसमेंट ईयर 24-25 है में किस किस को टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है वही आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी फॉर बिजनेस। बिजनेस भी वो जिनके ऊपर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट नहीं की है। यदि बिजनेस की टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी होता है। मतलब 1 करोड़ रुपए तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, यदि आपके बिजनेस के जो कैश ट्रांजेक्शन है वो केवल 5% तक ही है। मतलब कैश रिसिप्ट आपकी टोटल रिसिप्ट की 5% है, कैश पेमेंट आपके टोटल पेमेंट के 5% तक ही है। मतलब 95% या उससे ज्यादा आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में 1 करोड़ रुपए की लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। मतलब 10 करोड़ रुपीज तक आपको ऑडिट नहीं करवाना होता है। पर जरूरी क्या है इसके लिए, आपका जो कैश ट्रांजेक्शन है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको कुछ ध्यान रखना है कि नॉन अकाउंट पे चेक जो होते हैं वो कैश की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। और अब बात करें कि एफ एंड और इंट्राडे के केस में क्या होगा, तो एफ एंड और इंट्राडे जो होते हैं वो पूरी डिजिटल चैनल के थ्रू ही होते हैं, आपके डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए इसकी लिमिट आप 10 करोड़ रुपीज आप उसका इसके केस में आप टर्नओवर क्या देखेंगे टैक्स ऑडिट के लिए वही 10 करोड़ आपको देखना होगा। यदि 10 करोड़ रुपीज तक है तो आपको नो टैक्स ऑडिट, यदि उससे ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे बिजनेस के केस में जिन्होंने कि 44AD को ऑप्ट किया हुआ है। देखिए 44AD को कौन ऑप्ट कर सकता है, जब टर्नओवर की लिमिट कितनी हो 2 करोड़ रुपए तक है। यदि 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो फिर आप 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 2 करोड़ रुपए की लिमिट 3 करोड़ रुपए हो जाती है यदि आपके बिजनेस की कैश ट्रांजेक्शन क्या है अप टू 5%। मतलब 5% तक यदि कैश ट्रांजेक्शन चल जाते हैं, लेकिन 5% से यदि ज्यादा है तो नहीं चलेंगे। तो 5% तक ही अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो फिर ये लिमिट कितनी हो जाएगी 3 करोड़ रुपए। एक बार यदि आपने 44AD को ऑप्ट कर लिया है तो अगले 5 सालों तक आपको 44AD को ऑप्ट करना जरूरी होता है। अब लेकिन क्या होता है कि अब आपको 44AD में क्या होता है कि यदि आपके कैश टर्नओवर जो है, हम टर्नओवर का एक उसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि अगर कैश टर्नओवर है तो उसका आपको 8% प्रॉफिट दिखाना होता है। और यदि कैश के अलावा टर्नओवर है डिजिटल टर्नओवर, तो फिर उसके केस में आपको 6% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है और आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करनी होती है। लेकिन अब ये तो मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 6% और 8% से भी कम हुआ है, तो उस स्थिति में आप क्या चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि हम 44AD को ऑप्ट आउट कर दें। तो अगर आप 44AD को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और आपकी जो उस साल टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब जो जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम में 2,50,000 रुपये, न्यू टैक्स रेजिम में 3,00,000 रुपये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उससे ज़्यादा यदि आपकी टोटल इनकम है तो और आप 44AD को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। देखिए 5 साल तक आपको करना जरूरी होता है, लेकिन आप चाहते कि नहीं हम तो 44AD से हमको ऑप्ट आउट करना है, तो फिर उस स्थिति में आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, आपको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर भी अगर कोई पर्सन है जो कि कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम है या फिर वो कोई एजेंसी बिजनेस चलाते हैं तो फिर वो 44AD में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। फिर उनके ऊपर जो नॉर्मल बिजनेस के प्रोविजन थे 1 करोड़ 10 करोड़ रुपीज वाले वो ही एप्लीकेबल होते हैं। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी अगर जिन्होंने की प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AE, 44BB, 44BBB के अंदर यदि वो अपना प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी इनकम जो है डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में भी उनको अपने अकाउंट ऑडिट करवाने होते हैं। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी फॉर प्रोफेशन, प्रोफेशनल के केस में क्या होता है, देखिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा यदि आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50,00,000 रुपए से ज्यादा होती है और यही लिमिट 75,00,000 रुपए भी हो सकती है। यदि 75,00,000 रुपए तक भी टैक्स ऑडिट नहीं करवाना होता, यदि आपके कैश ट्रांजेक्शन कितने हैं 5%, यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि यदि वैसे तो 50,00,000 से ऊपर आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, लेकिन यदि आपके कैश ट्रांजेक्शन 5% तक ही है तो आप 75,00,000 रुपए 75 लाख तक आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है।
और जिन्होंने 44 ADA ऑप्ट किया हो, सेक्शन 44 ADA में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन में प्रोफेशनल के लिए होती है, उसमें जितना भी ग्रॉस रिसिप्ट होती है उसका 50% प्रॉफिट दिखाना होता है। और अब आप चाहते हैं कि नहीं, आपको ऑप्ट आउट करना है 44 ADA से, मतलब आपका कहना है कि हमारे प्रोफेशन की जो इनकम है वो 50% से कम है, तो उस और आपकी जो इनकम है वो भी क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो वहां पर भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आपको 44 ADA को ऑप्ट आउट करना है और आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाएंगे तो ही आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।